तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुदीम खान और आप देख रहे हैं मुदीम एक्स पिजन। जी हां दोस्तों, ये एक रिजल्ट वीडियो है। हमने आपसे करीब 22 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो हम आपको एंड स्क्रीन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें हम लोग ने दिखाया था मुर्गी के अंडे हम लोग ने कबूतर के नीचे रखे थे, तो उसमें से एक अंडा जो है उसमें क्रैक आ चुका है और कल तक उसमें से बच्चा भी निकल सकता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं उस अंडे को, कितना उसमें क्रैक आया है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने आज से ठीक 22 दिन पहले मुर्गी के अंडे कबूतरों के नीचे रखे थे और इसमें से बच्चे की आवाज़ भी आने लगी है और अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। हम आपको अभी इस अंडे का जो है वो दिखाते हैं करीब से वीडियो और उसकी आवाज़ भी दिखाते हैं। ज़रा आप अंडे को निकाल लीजिए। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखिए अंडा क्रैक भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अंडा क्रैक हो चुका है। और चलिए हम लोग लॉफ्ट के बाहर अंडों को ले चलते हैं। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपको साफ दिखेगा अंडे का व्यू। ये देखिए अंडा पूरा क्रैक हो चुका है और इसमें बच्चे की भी आवाज़ आ रही है, शायद आपको सुनाई ना दे, बहुत स्लोली स्लोली आवाज़ आ रही है। देखिए हम लोग को तो आ रही है, शायद कैमरे में ना आ रही हो। देख सकते हैं ये चोचे मार रहा, देखिए देखिए आप ऐसे देखिए, बच्चा जो है वो चोच मार रहा है। तो व्यूअर्स एक चीज़ आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बता देता हूँ कि पहले जो हमने अंडा रखा था वो इस कबूतर के नीचे रखा था, इस फीमेल के नीचे। दिखाते हैं कौन से एरिया में रखा था ताकि आपको फेक वीडियो ना लगे। तो व्यूअर्स देखिए, देखिए व्यूअर्स ये अंडा हमने यहाँ पे रखा था, ये यहाँ पे टंकी के कोने पे आपने देखा हुआ है, उस वीडियो में देख लीजिएगा। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे क्या था कि उनका अंडा जो था उसमें से फीमेल जो थी वो थोड़ी बीमार हो गई थी, तो नीचे से ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी वो, तो इस वजह से हमने सोचा इसका अंडा खराब हो जाएगा। और एक अंडा हमने रखा था इस कबूतर के नीचे, आपको दिखाया था हमने, ये बैठा हुआ है, तो एक अंडा इस कबूतर के नीचे रखा था, मगर फिर सडनली ये भी कबूतर ने अंडों पे बैठना छोड़ दिया था। तो व्यूअर्स इसीलिए हमने ये अंडा जो था वो दूसरे कबूतरों के नीचे रखा था, क्योंकि हमको बच्चा निकलवाना था, तो ये दूसरे कबूतर के नीचे अंडा रखा हुआ है जो कि इस वीडियो में आपको दिखाए गए हैं कबूतर। फाइनली व्यूअर्स आप लोग को दिखाता हूँ, अंडे में से बच्चा निकल आया है और कबूतर इस बच्चे पे बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अभी इसको निकालते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए व्यूअर्स निकालते हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए व्यूअर्स बच्चा निकल आया है मुर्गी का, आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत बच्चा है, आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स। ये देखिए पास से देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत कितना अच्छा मुर्गी का बच्चा है ये। आप लोग भी अपने कबूतरों के नीचे मुर्गी के अंडे रख सकते हैं और बच्चे निकलवा सकते हैं, जो भी आपके यहाँ अच्छी मुर्गियाँ हैं। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, और अभी एक और अंडा रखा हुआ है ऑलरेडी कबूतर के नीचे, और हो सकता है कि इसमें से भी जल्दी व्यूअर्स बच्चा निकल आए। तो देखिए अभी तो इसमें क्रैक नहीं आया है अंडे में, मगर बहुत जल्दी इसमें भी क्रैक आने वाला है। ये देखिए इस तरफ को निशान पड़ गया है क्रैक का यहाँ पे, तो इसमें से भी कल या परसों बच्चा निकल आना चाहिए। तो व्यूअर्स अब इस बच्चे को हम वापस से रख देते हैं। आपने देखा, आपको हमने रिजल्ट वीडियो भी दिखाई और हमारी जो पहले वाली वीडियो है
जिस टाइम हम अंडा रख रहे थे कबूतर के नीचे, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जाके। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन में दे दूंगा, तो रखते टाइम की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और देखिए इस टाइम एक बच्चा निकल चुका है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये फीमेल पिजन अपने खाने में जाती हुई, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखिए वो बच्चा उसको ही अपनी माँ समझ रहा है कबूतरी को। देखिए वो उसके नीचे बैठ गई है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है हमारे चैनल पे आती रहती है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स ये मुर्गी का बच्चा बाहर आ गया है, मगर फीमेल इसको अभी भी नहीं छोड़ रही है और इसको अपने पास में ही रखे हुए है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितना प्यारा है, और वो बच्चा भी इसको अपनी माँ ही समझ रहा है। तो देखिए फीमेल प्यार करती हुई मुर्गी के बच्चे से, और मुर्गी का बच्चा भी उसको अपनी माँ समझ रहा है और उसके ही पास रह रहा है। तो दोस्तों देखिए ये है वो बच्चा, अंदर लाइटिंग कम थी, अच्छे से देख नहीं पा रहा था, तो मैं बाहर निकाल लाया हूँ। आप देखिए अच्छे से देखिए, जरा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को बच्चा, देख सकते हैं व्यूअर्स कितना खूबसूरत बच्चा है ये। और आज से ठीक 22 दिन पहले हमने ये अंडे रखे थे कबूतरों के नीचे, और रिजल्ट वीडियो देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, बच्चा निकल आया है अच्छे से। अब ये बच्चा बड़ा भी होगा और आपके जितने भी लॉफ्ट के अंदर के कीड़े हैं उनको भी खाएगा, तो आपकी लॉट भी क्लीन रहेगी, बच्चे भी निकले आएंगे, तो बहुत अच्छी टेक्निक है ये। आप भी अपने कबूतरों के नीचे मुर्गी के अंडे रखिए, बच्चे निकलवाइए। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।